Hey guys, welcome back to the channel. आप लोगों का स्वागत है मेरे कुकिंग ब्लॉग में। तो इस कुकिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तर्री चिकन। तर्री क्या होती है मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगी। तो मेथड सेम है लेकिन आज मैं अलग मसाले यूज करने वाली हूँ। जबकि ये तर्री चिकन है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज होगा, तो फिर प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आपने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया है। मुझे पता है मैंने कितना ऑयल यूज किया है। तो चलिए देखते हैं ये करी कैसी बनती है। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तर्री चिकन करी। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो ये मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं डालूँगी 2 चम्मच। अब मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी मैं डालूँगी 1.5 teaspoon। और हल्दी के बाद यहाँ पर मैं हींग डालूँगी। हींग मैंने लगभग 1/4 चम्मच डाला होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पॉट गैस पर रख दिया है और उसमें मैं 3 से 4 teaspoon ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आप कम तेल खाते हैं तो कम तेल यूज़ कीजिए। तेल गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड किया है। मैं इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए प्याज अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें आधा कटा हुआ टोमेटो ऐड कर दूँगी। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसे भी हम प्याज और टोमेटो के साथ अच्छे से भून लेते हैं। और अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूंगी, जिसे हमने नमक हल्दी और हींग के साथ मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम तेल में 2-3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है और हम इस चिकन को अच्छे से भून लेते हैं। मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूंगी। अब मैं इस पर एक प्लेट रख देती हूँ और उसमें 1 glass पानी ऐड कर देती हूँ। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपना मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। अब ये गर्म पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमें अच्छा सा चिकन स्टॉक मिल सके। हमारी करी में फ्लेवर इसी चिकन स्टॉक की वजह से आता है। एक बार मैं इसे मिला लेती हूँ और अब मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए ढक दूंगी। जब तक चिकन वहाँ पर पकता है तब तक हम मसाले भून लेते हैं। इस बार मैं सारे मसाले गैस पर ही रोस्ट करने वाली हूँ। देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2-3 इंच का कोकोनट लिया है और 1 टोमेटो है और 4 हरी मिर्चें हैं। उन्हें मैंने एक गैस पर सीधा भूनने के लिए रख दिया है। देखिए कोकोनट अच्छे से एक साइड से भुन चुका है। अब मैं उसका साइड चेंज कर देती हूँ। मिर्च मैंने निकाल ली है और ये कोकोनट भी। अब मैं इसका साइड चेंज कर देती हूँ टोमेटो का और प्याज का भी। देखिए टोमेटो सब जगह से अच्छी तरह से भुन चुका है। अब बस प्याज बाकी है। इन्हें मैं और 5 मिनट के लिए गैस पर ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो सके। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और मैं अब इन्हें निकाल लेती हूँ। गैस पर मैंने एक पैन रख दी है। उसमें मैं 2 चम्मच सफ़ेद तिल, उसके बाद ये कोरिएंडर सीड्स है ये 1 चम्मच है और ये है सौंफ ये 1/2 चम्मच है। अब इन तीनों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिना तेल डाले भूनना है। ये देखिए हमें बस इसका कलर चेंज करना है। आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज हो चुका है।
बस अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। गैस पर रोस्ट किए हुए नारियल को मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर है 1 इंच अदरक, यह है 7-8 लहसुन की कलियाँ, यह है 2 प्याज, 3 हरी मिर्च, 1 भुना हुआ टोमेटो और यह है थोड़ा सा हरा धनिया और यह है हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए तिल और सौंफ। अब इन सबको मैं मिक्सर में बारीक पीस लेती हूँ। मसाले मैंने पीस लिए हैं, अब चलिए उन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल आप अपनी मर्जी से डालिए, आप इसमें ऑयल कम भी कर सकते हो। तेल गरम हो जाने के बाद मैं इसमें कांदा लहसुन मसाला ऐड कर दूंगी। ये मसाला तीखा होता है, इसमें गरम मसाले भी ऐड होते हैं और मिर्च भी होती है, तो मैंने ये 5 चम्मच डाला और अब हमने जो मसाले पीसे थे वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, इन्हें हम अच्छे से भून लेते हैं तेल के साथ। 4-5 मिनट हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आज मैं लजीज का चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये लोकल शॉप से मैंने लिया है और ये बहुत बढ़िया मसाला है, इसीलिए मैंने चिकन करी को लजीज चिकन करी नाम दिया है। अगर आपके यहाँ मिलता हो ये मसाला तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा मसाला है। ये मसाला भूनने के लिए 4-5 मिनट लगेंगे। देखिए, अब मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। मसाला तेल में अच्छी तरह से फ्राई करने से ही हमारी करी को तर्री आती है। तो ये देखिए, 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन पक के रेडी है। चिकन अच्छे से पक चुका है। ये जो चिकन सूप होता है नमक वाला, ये बहुत हेल्दी होता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और जो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए। ये देखिए, चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हमें बस हमारा जो फ्राई किया हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है। अब हमें बस इन्हें अच्छे से मिक्स करना है और उबलने के लिए रख देना है। 7-8 मिनट में इन्हें फिर से उबालने वाली हूँ। आपको जितनी ज़्यादा पतली करी अच्छी लगती है उतना ज़्यादा आप गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए। मुझे करी की ये कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे पतला रखा है। और अभी इसे 7-8 मिनट और उबलना है तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, करी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब मैं इसे 7-8 मिनट ऐसे ही उबलने दूंगी। ये लीजिए, हमारा तर्री चिकन रेडी है। देखिए इसकी तर्री कितनी अच्छी आई है। आज मैंने जो लजीज का चिकन मसाला यूज़ किया है वो बहुत अच्छा चिकन मसाला है। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। अब बस लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देती हूँ और इसे एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। हमारी तर्री वाली लजीज चिकन करी रेडी है। आप इसे भाकरी, चपाती, राइस इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का कुकिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय।